चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा तोहफा, तो बड़ी खबर आपको ये बता दें इस वक्त की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और तोहफा दिया है रक्षाबंधन पर्व पर। मुख्यमंत्री गहलोत का यह तोहफा, रोडवेज की बसों में महिलाएं और बालिकाएं कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा। 30 अगस्त को राजस्थान रोडवेज की सभी बसों में ये गहलोत का तोहफा, मुख्यमंत्री गहलोत का तोहफा मिला है। दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। दिनेश, एक और सौगात, एक और ये तोहफा मिला गया है रक्षाबंधन पर बहनों को, महिलाओं को। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर रक्षाबंधन पर महिलाओं बालिकाओं को ये तोहफा दिया और हर रक्षाबंधन पर रोडवेज की जो तमाम बसें हैं उसमें फ्री सफर की सौगात उनको यहाँ पर लिखती है। तो 30 अगस्त को रास्ता रोडवेज की, चाहे वो साधारण हो या दूतगामी बसें हो, उनमें महिलाओं को फ्री जो सफर की है वो सुविधा मिलेगी। और राजस्थान रोडवेज ने इसके आदेश भी जारी कर दिए गए और यकीनन कह सकते हैं कि जो माताएं बहने या महिलाएं हैं अपने भाइयों को जो रक्षाबंधन पर राखी बांधने जाएगी तो उन्हें राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री सफर की सुविधा मिलेगी। किसी तरह का किराया यहाँ पर नहीं लगेगा और जो किराए की राशि है वो सरकार खुद वहन करेगी। तो बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को रक्षाबंधन के पर्व पर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राज्य की महिलाओं को रक्षाबंधन पर्व पर। मुख्यमंत्री गहलोत का ये तोहफा, रोडवेज की बसों में महिलाएं और बालिकाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। तो 30 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा जाएगा और उसी पर्व पर रोडवेज की बसों में महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा मिल पाएगी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बड़ा तोहफा